माशाल्लाह देखिए मेरे खेत के सब्जी मटर टमाटर टमाटर देखें, ये येलो टमाटर देखे आप सबने, और ये मेरे बैंगन, ये मेरे लेवेंडर, अब ये ड्राई हो रहा है, फिर इसकी मैं पुटलियाँ छोटी छोटी बनाऊंगी पैकेट, और ये देखिए मेरे खीरे, अरे कितना अच्छा लग रहा है सब कुछ। और एक ही जरा पीला हो गया, मैं इसके बीज बना लूंगी, कोई बात नहीं। अब कल मैं बनाऊंगी बैंगन, बैंगनों को यहाँ कहते हैं पतली जान, और इसको खा के लोग पतली जान हो जाते हैं लगता है ये माशाल्लाह। लेंगे ना सर, ये देखें अभी कितने, तीन और तीन छह बैंगन निकले जो कि हमारे एक दिन का खाना अल्लाह पाक ने भेज दिया, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहेगा। बैंगन और भी लगे, अभी तो बहुत ही छोटे छोटे से उधर भी लगे हैं सर, तोड़ तोड़ के मुझे दे रहे हैं। और ये देखें इधर, यहाँ पे ये आलू, आलू जब भी बिल्कुल सूख जाएंगे, जब भी आलू निकालूंगी, इधर प्याज है, प्याज निकालूंगी, लेकिन अभी मुझे देख के बैंगन देखना कितने टेस्टी पकेंगे। और ये रहे मेरे टमाटर जो कि एक बड़ा बाउल भर के निकले, ये खीरे, और ये बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र है जैसे हमें अपनी नियमतों से नवाजा। ये देखें कितने सारे माशाल्लाह, कम से कम 4-5 किलो टमाटर निकले हैं, पूरी एक बड़ा टब भर के। और ये देखें येलो कलर के टमाटर, और ये मेरे खीरे, और ये एक जो है ना तिकविसा है, इसे अरबी में खूसा कहते थे, लेकिन जंगली तुरैया ही कह सकते हैं इसका। कल मैंने इसके कबाब बनाए थे, आज मैं अपलोड करूँगी, आप देखिएगा। और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगा मुझे तो, तब अपने बाग की चीज़ें देखो, आज मैंने बहुत घास भी निकाली, ये देखो घास ही घास है, सब कचरा असद भी लगे पड़े हुए हैं साथ में, ये सब घास निकाली, बहुत घास हो गई, जंगली पौधे बहुत हो गए। और ये देखें आह कितने सारे गुलाब के फूल खिले हैं, सफ़ेद वाले, लाल वाले तो इक्का दुक्का ही हैं बस, ज़्यादा नहीं है। और ये सब टमाटर ही टमाटर है, लीमू है, फूल ही फूल हैं, सफ़ेद वाले फूल अब खिले हैं बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा लग रहा है। असद घास काट काट के फेंक फेंक के बेचारे थक गए भाई, बहुत गर्मी होती है पौधों की भी, तो बहुत ही गर्मी लग रही है। सौंफ निकल आई है, सौंफ का पौधा या खुद ब खुद हो जाता है, इसकी जड़ इतनी मजबूत है कितना भी खोद लो फिर से निकल आते हैं, फिर से हो जाता है सब। बहुत ही कचरा हो गया, सारे में कचरा ही कचरा है, अभी सब साफ करना है, गर्मी बहुत पड़ रही है, अगर एक दिन पानी ना दो तो मरत जाते हैं पौधा, सब सफाई कर। जो हमारे खेत के अंदर और खीरे निकले हैं, और देखें कितने सारे खीरे हो रहे हैं नाजरीन, कैसे लग रहे हैं आपको ये खीरे? बहुत आला, असद इस वक्त तोड़ तोड़ के दे रहे हैं हमको, और हम जो है यहाँ पे ढेर लगा रहे हैं। ये दुमाची खीरे हैं, ऑर्गेनिक हैं, इसमें कोई खाद नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त है, जिस जिसको चाहिए ऑनलाइन शॉपिंग कर ले, धन्यवाद। कितने खूबसूरत लग रहे हैं गुलाबांस के फूल, सुभान अल्लाह, गुलाबबाज के फूल खूबसूरत लग रहे हैं बहुत ज़्यादा सभी। और ये देखें मेरे सारे वाइट फूल, सारे निकले ना, कितने भर के आए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं, वहाँ तक फैल गया पूरे में, कितना खूबसूरत लग रहा है, ब्यूटीफुल। इसमें भी गुलाब लगे हुए हैं, छोटे छोटे से आ गए मगर अभी भर के नहीं आए, लेकिन अभी फिर इसकी कटिंग होना बाकी थी और मैं कटिंग कर नहीं पाई, और मैं नीचे से देख रही हूँ कि मैं और फूल निकल आएंगे गुलाब के, और ये पिंक कलर के, अभी ये नई शाखें निकल रही हैं, ये गुलाब के बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, ज़बरदस्त, मतलब पूरा ये हरा भरा हो गया, लेकिन इसकी छटाई और सफाई करना भी ज़रूरी है। उस दिन मैंने ये लेवेंडर काट लिए थे, इसमें और निकल गया है, और भर भर के निकले, वाह। ये खीरे अभी और निकल रहे हैं, ये जैस्मिन के फूल और नए नए आ गए हैं भाई, वाह, अभी नए शाखें निकल रही हैं, मैं इन सबको बांध के ना ऊपर करूँगी, ये
यहाँ पे लौकी का फूल निकल आया है ये, अभी पता नहीं मेल फीमेल से। इस दफा जंगल को देख नहीं पाए। ये देखें कितना बड़ा ऑलिव हो गया मेरा, देखते देखते बहुत जंगल हो गया, सब साफ करना पड़ेगा। बहुत घास भी हो गई है, मेरी प्यास को भी दबा दिया इस घास ने, तो सबको निकालना होगा। अब सतीन के पौधे देखें कितने सारे निकले हैं यहाँ पे। ये भी मेरा बहुत बड़ा होता चला जा रहा है खुदा के फजल से, ये भी बहुत बड़ा रही है। तो मैं सोच रही हूँ इसको बांधूँ ताकि ये और घने निकलेगी भी। ये